गाइस वेलकम बैक इन कंप्यूटर ग्राफिक्स प्लेलिस्ट। आज हम बात कर रहे हैं दो और न्यूमेरिकल लेके आए हूँ डीडीए एल्गोरिथम के ऊपर। प्रीवियस वीडियो में हमने डीडीए एल्गोरिथम देखी, साथ के साथ हमने उसके ऊपर एक बढ़िया सा न्यूमेरिकल करा। अब जो मैंने बताया था उस एल्गोरिथम में कि दूसरी कंडीशन आ जाए तो कैसे न्यूमेरिकल करेंगे, तो आज मैं उस वीडियो में आपको इस वीडियो में बताऊँगा। अगर आपने वो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जाके देख लीजिए। ओके, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये वाला एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। तो आपको पता है ये x1 x2 है, x1 y1 और x2 y2। ठीक है, सो सबसे पहले dx निकालते हैं अपन, x2 माइनस x1। तो x2 है आपका 6, x1 है 2, तो 6 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 4। dy की वैल्यू बताइए, 15 माइनस 3 12। क्या आपका abs ऑफ dx इज ग्रेटर देन है abs ऑफ dy? abs का अर्थ यहाँ पर है मॉड्यूलस, यानी कि अगर बाई चांस ये वैल्यू नेगेटिव में आती फिर भी आप इसको पॉजिटिव में ही कंसीडर करते। क्या अगर ऐसा है तो आप देखोगे ये 4 है, ये 15 है, तो ये तो नहीं है सर, तो वो वाली कंडीशन आप वर्क नहीं करेगी। else में जाते हैं, else में मेरे को बताया कि स्टेप की वैल्यू जो है आपकी वो abs ऑफ dy हो जाएगी। ठीक है, तो स्टेप की वैल्यू क्या है मेरी 12। ओके, तो अब स्टेप को यूज़ करके मैंने बताया था एक्स इंक्रीमेंट और वाई इंक्रीमेंट निकालना होता है, तो ये निकलता है डी एक्स अपॉन स्टेप से और डी वाई अपॉन स्टेप से। ओके, डी एक्स की वैल्यू बताओ 4, 4 बाई 12 विच इज इक्वल टू 1 बाई 3। ओके, एंड नाउ दिस इज गाइस डी वाई की वैल्यू 12 अपॉन 12 विच इज इक्वल टू 1। यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू सेट करते हैं सबसे पहले अपन, तो वो स्टार्टिंग में x1 y1 होती है, तो 2 और 3 आ गई। इसके बाद जो भी वैल्यू आएगी आपको सिंपली x प्लस एक्स इंक्रीमेंट कर देना है, और एक सेकेंड, ओके, सो y प्लस वाई इंक्रीमेंट कर देना है। यानी कि जैसे 2 है तो 2 प्लस 1 बाई 3 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका सिंपली 1 से ऐड होता चला जाएगा, तो 3 प्लस 1 हो जाएगा। और ये कब तक करना है, जब आपकी x की वैल्यू x2 के इक्वल नहीं हो जाती, यानी कि जब तक आपको आपकी इसमें आप जब निकालोगे और आपकी वैल्यू 6 के इक्वल ना हो जाए तब तक आपको यही बार बार लूप चलाते जाना है और नए नए पॉइंट ढूंढते जाना है। ये स्टार्टिंग में इनकी वैल्यू थी वो 2.3 हमने निकाली है, 2.3। इसके बाद इंक्रीमेंट करने के बाद इसको सोल्व करते हैं, तो अगर अपन ऐसे लिखे तो 2 1/3 यही होता है, और इसकी निकाले तो 3 से 4 हो गया। अब मेरे को वैल्यू तो राउंड में ही चाहिए ना यार, तो राउंड में वैल्यू क्या होती है, राउंड में जैसे ये सोल्व करते हैं तो पॉइंट लेस देन रहता है इससे, तो ये वैल्यू 2 ही रहेगी और इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। ओके, देन अगेन आपको क्वेश्चन सोल्व करना है तो आप ये वाली वैल्यू लेके चलेंगे। आपको नेक्स्ट वैल्यू क्या लेनी है, ये राउंड वाली नहीं लेनी है, आपको ये वाली लेके चलनी है। तो नेक्स्ट अपना पॉइंट यहाँ पे 2 1/3 और ये हो गया 4। अब इसमें दोबारा 1/3 ऐड होगा तो क्या बनेगा, 2 2/3। ओके, और ये 4 से क्या हो गया 5। राउंड में वैल्यू लेते हैं तो देखो ये बन जाता है 0.6, तो इट मीन्स इट इज 3 एंड दिस इज 5। ओके, राउंड में वैल्यू देखनी है, और जब आप वो बनाओगे ना अपना ग्राफ तो राउंड की ही वैल्यू इसमें प्लॉट करनी है, ये वाली प्लॉट मत कर देना। ठीक है, राउंड वाली वैल्यू ही प्लॉट होगी, उससे स्ट्रेट लाइन आपकी ऑटोमेटिक बन जाती है। आगे देखो 2 2/3 और ये थी अपनी 5। ठीक है, इसमें आपको 1/3 इंक्रीमेंट करना है, तो 1 ऐड करा तो 3 3 3 1 हो जाता, तो ये हो गया इस बार एक्चुअल का 3, और ये 3 से क्या हो गया 6। ठीक है, तो ये हो गया 3.6। ओके, नाउ अब आपको ऐसे ही वैल्यू लेते हुए चलना है, तो यहाँ पे जैसे 3 आ गया 6 आ गया, इसको इंक्रीमेंट 3 1/3 और ये कितना हो गया 6 का 7, अप्रोक्स वैल्यू ये भी 3.7 ही निकलती है। फिर ये आप दोबारा लोगे 3 1/3, ये 7 और ये आपका 3 2/3 और ये आपका 8 हो गया, और 2/3 एक्चुअल में 0.6 है, तो यहाँ पे बन गया 4 4.8। ओके, तो इस तरह से आप कर लोगे आई थिंक, और जो कब तक चलाना है जब तक आपको 6 नहीं मिल जाता, तो अगली बार करोगे 4 5 6, इससे बहुत लंबा बनेगा, चार्ट पूरा शो नहीं करूँगा मैं, तो फिर उसके थ्रू आप डायग्राम प्लॉट कर लेना जो भी बनता है इसका। ठीक है, अब दूसरा अपन वो एग्जाम्पल देखते हैं। ये वाला एग्जाम्पल इससे डिफर क्यों है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे केस बनता है आपका dx की वैल्यू निकालोगे आप 6 माइनस 0, dy की वैल्यू निकालोगे आप 6 माइनस 0, दोनों की वैल्यू आ गई 6 और 6, और m की वैल्यू निकालते हो जब आप, क्या निकलता है 1 निकलता है पहली बात, और abs ऑफ dx की वैल्यू इस बार abs ऑफ dy के इक्वल है, तो
तो हमने देखो ग्रेटर देन का केस देखा पिछली वीडियो में, ठीक है, इसमें अपन ने लेस देन का देखा। तो इस केस में क्या होगा सर? अब इस केस में मैं आपको बताता हूँ, आपको कुछ नहीं करना, हमेशा इसको वन कर से इंक्रीमेंट करना है और इसको हमेशा वन से इंक्रीमेंट करते हुए चलना है और कुछ भी नहीं करना है, ना आपको ये लगाना है ना कुछ और लगाना है। तो वन वन इंक्रीमेंट करना है, तो स्टार्टिंग वैल्यू आपकी 0 0, फिर जैसे आप डायग्राम बनाओगे इंक्रीमेंट की वैल्यू होगी 1 और 1, और राउंड की वैल्यू तो रहने वाली है 1.1, तो इस तरह से 1 1, फिर आपका 2 2, और ये 2.2, और ऐसे चलता रहेगा। कब तक चलेगा? लास्ट वैल्यू जब तक 6 नहीं आ जाए। और जब आप इसका डायग्राम बनाने बैठोगे देन यू विल गेट लाइक दिस, ऐसे करके पूरी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी कि 0 0 पर, 1 1 पे, 2 2 पे, 3 3 पे, 4 4 पे, एंड 5 5 पे, एंड फाइनली 6 6 पे। तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन आपकी मिल जाएगी। याद रखना बस एक ही चीज़ कि ये वाली दोनों नेक्स्ट वैल्यू, जैसे ये और ये आपकी नेक्स्ट इधर बनेगी, ये राउंड की वैल्यू मत ले लेना यहाँ पर, वरना पूरा फिर गलत आपका हो जाएगा। बाकी बहुत इजी है, आई थिंक आपको सारी कंडीशन इफ वाली बता दी, एल्स वाली बता दी, इक्वल टू वाली भी बता दी। अब डीडीए में मेरे ख्याल से कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड साथ के साथ अगर वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर आप नीचे लाल बटन दिख रहा है उस पर जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि काफ़ी सारा कंटेंट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा इंजीनियरिंग से रिलेटेड, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड। एंड अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। सो जय हिंद, जय भारत, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ में।